और बहराइच से इस वक्त की एक बड़ी खबर, एक और भेड़िया पकड़ा गया है, पिंजरे में कैद हुआ है भेड़िया, आदमखोर भेड़िया वन विभाग की टीम ने पकड़ा है। तो पहले भी तीन से चार भेड़िए पकड़े जा चुके थे और अब एक बार फिर से बड़ी कामयाबी वन विभाग को मिली, एक और भेड़िया पकड़ा गया है, पिंजरे में कैद हुआ आदमखोर भेड़िया। तो आज पांचवां भेड़िया पकड़ा गया है, चार भेड़िए अब तक पकड़े जा चुके हैं। बहराइच से बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। तो लगातार वन विभाग की टीम गश्त भी कर रही थी और लगातार अलग अलग तरीके से भेड़िए को पकड़ने की, उसे ट्रैकुलाइज करने की कोशिश जारी थी और इसी बीच बड़ी खबर ये कि एक और भेड़िया पकड़ा गया है। तो लगातार हम देख रहे थे कि आसपास के गांव में दहशत बनी हुई थी और अभी भी लगातार लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। हर दो से तीन दिन के बाद पता चलता है कि भेड़िए ने एक और अटैक कर दिया और माना जा रहा है कि भेड़ियों का, छह से सात भेड़ियों का ये झुंड था जिसमें अभी भी दो भेड़िए पकड़े जाने बाकी थे। अब ये पांचवा भेड़िया पकड़ लिया गया है, पिंजरे में कैद कर लिया गया है उसे। बहराइच से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो लगातार वन विभाग की टीम जिस कोशिश में जुटी थी उसमें बड़ी कामयाबी वन विभाग की टीम को यहां पर मिली है और अब तक पांच भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। आदमखोर भेड़िया जिसने लोगों पर अटैक किया, 10 लोगों की अब तक जान जा चुकी है, कई लोग घायल हैं, 30 से 35 लोग घायल भी ये भेड़िए कर चुके हैं। पांचवा भेड़िया पकड़ा गया है, हमने छह पकड़ने की बात कही गई थी उसमें से पांच पकड़ लिए हैं, एक अभी भी फरार है, भागा हुआ है और उसको भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे। जब हमारा सही टाइम आएगा, उसका खराब टाइम आएगा तभी पकड़ पाएंगे। प्रयास तो लोग हम डेली कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। हमारी ये टीम है जो है, कुछ यहाँ पर हमने कुछ किराए पर लोगों को रखा है जो यहाँ पर हमारी सामान ले आने ले जाने में वो तमाम तरीके से मदद करते हैं। अभी ये जो है इसको कवर्ड करके रखा गया, इसको कवर्ड करके रखा गया है। अभी हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर इसको इस निर्णय लेंगे कि ये कहाँ जाएगा। अच्छा सर, दूसरी चीज़ ये है, क्या ये कौन सा भेड़िया, एक कहा जाता था एक लंगड़ा भेड़िया, एक अल्फा? लंगड़ा नहीं है, ये सही सलामत है। एक बार 15 दिन पहले हम खेत देखने आए थे, ये हमारा खेत है, बीच खेत में मतलब खड़ा था और गाड़ी पर बैठे थे, गाड़ी से मतलब वो उसने हमारी तरफ देखा, हमने उसकी तरफ देखा, अगर सियार होता तो भाग लेता। हाँ, उसके साथी बराती भी यहाँ पे हैं, आज हो गए। तो देख सकते हैं दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, दूसरी तस्वीर वो तस्वीर है कल न्यूज 18 के कैमरे में ये भेड़िया कैद हुआ था और अब जो है वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है। तो देखिए आप तस्वीरें, लगातार न्यूज 18 की टीम भी ग्राउंड जीरो पर है और इससे पहले भेड़िए की मांद तक पहुंच गई थी न्यूज 18 की टीम और लगातार ग्राउंड जीरो से आपको हर हलचल हर तस्वीर दिखाती है। और इसी बीच अब जब वन विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज 18 पर देख पा रहे हैं, एक और भेड़िया पकड़ लिया गया है, ये बड़ी कामयाबी वन विभाग को यहां पर मिली है। तो अब तक पांच भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, माना जा रहा है एक भेड़िया अभी भी पकड़ा जाना बाकी है और फॉरेस्ट ऑफिसर जिस तरह से अभी ये कहते नजर आए कि जब उसका बुरा वक्त आएगा तो और हमारा अच्छा वक्त आएगा तो जल्द ही हम उस आखिरी भेड़िए को भी पकड़ लेंगे। तो देख सकते हैं आप किस तरह से भेड़िए को, जब पिंजरे में कैद भेड़िए को लाया गया उस दौरान की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, भेड़िया पकड़ लिया गया है एक और। कई दिनों से लगातार इसकी तलाश थी, लगातार इसे ढूंढा जा रहा था,
कल इसे देखा भी गया था आसपास के इलाके में और वन विभाग को पूरी उम्मीद थी कि इसी इलाके से उसे पिंजरे में कैद कर लिया जाएगा और वही हुआ। आदमखोर भेड़िया अब वन विभाग के हाथ लग चुका है। तो लगातार बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं न्यूज 18 पर। आप देख रहे हैं दो तस्वीरें। दूसरी तस्वीर कल की है जब भेड़िये को देखा गया था और न्यूज 18 के कैमरे में भी भेड़िया कैद हुआ था। बहराइच और सीतापुर के बाद अब मैनपुरी में भी भेड़िये की दहशत नजर आ रही है। दन्नाहार थाना क्षेत्र के ग्राम छोटी जरामई में देर रात एक भेड़िये ने खेत पर सो रखे प्रियांशु नाम के लड़के पर हमला कर दिया। घटना के बाद से गांव में महिला और बच्चों की सुरक्षा को लेकर लोग चिंतित हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने 7 सदस्य टीम को गठित कर भेड़िये की तलाश शुरू कर दी है। देखिए, मैनपुरी जनपद के जो दन्नाहार थाना है वहाँ पे छोटी जरामई गांव से कल रात को वन विभाग को सूचना प्राप्त हुई है एक भेड़िये की। तत्काल 7 सदस्यीय टीम की एक गठन कर दिया है जिसके अध्यक्ष जो हैं शोएब अंसारी जी हैं, जो हमारे रेंज अफसर मैनपुरी हैं, उनके अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया। टीम हमारी मौके पर पहुंच रही है। मौके पर जाके वो उस पूरे स्थल की बाकायदा जांच करेगी। जांच करने के बाद जिस पे हमले की जो शिकायत प्राप्त हुई है उस व्यक्ति को भी बुलाया जाएगा। वहाँ पर एक पूरा माहौल क्रिएट करेंगे कि कैसे क्या हुआ है और हम रेगुलर जो है कि उन टीमों को कहेंगे कि वो 24 घंटे वहां निगरानी करते रहे, इसलिए कोई घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। आज सीएम योगी ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी दोपहर में 3:30 बजे जेवर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी के कल होने वाले दौरे की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में कल सेमिकॉन इंडिया का आयोजन हो रहा है जिसका उद्घाटन करने पर पीएम मोदी आने वाले हैं। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट सेंटर में सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम का आयोजन होना है और इसी कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य उन कंपनियों को बढ़ावा देना है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब्स, डिस्प्ले फैब्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर डिजाइन में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की आज जयंती है और इस मौके पर सीएम योगी लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। लखनऊ में लोक भवन प्रांगण में सुबह 10 बजे माल्यार्पण कर नमन किया जाएगा। सीएम योगी आज मिशन रोजगार के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। 647 चयनित वन रक्षकों और 41 जूनियर इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। इन सब का चयन यूपी SSSC के तहत हुआ है। ये कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे लखनऊ के लोक भवन सभागार में आयोजित किया जाएगा। कुशीनगर में दबंगों ने ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली 2 लड़कियों को अगवा कर लिया। लड़कियों ने उनके साथ जाने से मना कर दिया तो उस वक्त दबंगों ने हवाई फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद दबंग लड़कियों को एक बर्थडे पार्टी में ले गए। मकान के मालिक ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने बर्थडे पार्टी से दोनों लड़कियों को बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस ने लड़कियों को अगवा करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक बीजेपी नेता का बेटा है जबकि एक डॉक्टर भी इसमें शामिल है। पुलिस ने दबंगों के पास से एक अवैध रिपीटर, शॉटगन, पंप और 2 पिस्टल बरामद किए। दबंगों के पास 63,000 रुपए, 2 फॉर्चुनर गाड़ियों को भी बरामद किया गया। जनपद कुशीनगर में थाना रामकोला में 8/9 की रात्रि में करीब 12:30-1 बजे PRV से सूचना प्राप्त हुई कि 2 ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाले 2 युवतियों को कुछ लोगों के द्वारा उनके घर पर आकर फायरिंग कर उठा के लेके गए हैं। इस सूचना पर रात्रि में ही संज्ञान लेते हुए तत्काल हमारे दोनों एडिशनल SP के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया और पूरे जनपद में चेकिंग किया गया और 2 घंटे के अंदर इन युवतियों को सकुशल बरामद कर लिया गया। इस प्रकरण में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।